दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं एक बहुत बड़ी आपको एक खबर देना चाहता हूं और वो है बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन पर आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से रेट अप एंड डाउन जा रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मार्केट क्रैश क्यों हो रही है और बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी इतनी ज़्यादा क्रैश क्यों हो रही है। उसका मेन कारण आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आज। एक्चुअली है क्या, बिटकॉइन के ऊपर इस वक्त दो पार्टीज बनी हुई है। पहली पार्टीज बिटकॉइन डेवलपर्स की, दूसरी पार्टीज बिटकॉइन माइनर्स की। 1 अगस्त को इनके पास एक डेडलाइन है और वो डेडलाइन क्या कहती है कि अगर 1 अगस्त तक कोई भी सॉल्यूशन ना निकल पाया तो ये बिटकॉइन स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट मतलब जिसके पास इस वक्त 5 बिटकॉइन है उसके पास 10 बिटकॉइन हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या, इससे रेट भी आता आ जाएगा और हो सकता है कि और भी ज्यादा पैनिक आ जाए मार्केट के अंदर, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए माइनर्स और डेवलपर्स की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में एक रास्ता निकाला गया जिस रास्ते का नाम है, उस कॉन्टेक्ट का नाम है सेगविट 2x। सेगविट 2x एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होगा, माइनर्स ने एक प्रपोजल रखा कि बिटकॉइन को स्प्लिट ना करके बिटकॉइन का ब्लॉक साइज बढ़ा दिया जाए। जहां एक ब्लॉक अभी 2 MB में भरता है और लास्ट ब्लॉक के भरने पर रिवार्ड पॉइंट मिलता है माइनर को, वो 2 की जगह 4 MB कर दिया जाए। तो अभी क्या है, अभी मैक्सिमम लोग इस चीज पर राजी हो चुके हैं और जो कि एक अच्छी न्यूज है बिटकॉइन होल्डर्स के लिए। अभी 21 जुलाई को इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा मार्केट के अंदर। और इस मार्केट में जैसे ही लॉन्च होगा, मार्केट में लॉन्च होने के बाद 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अगर जितने भी माइनर्स हैं, अगर ये लोग 80% हैश पावर, 80% हैश पावर मतलब 80% लोग इसकी फेवर में अगर आ जाते हैं, इस सॉफ्टवेयर की फेवर में आ जाते हैं, तो ये सेगविट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होकर बिटकॉइन का साइज 4 MB का हो जाएगा और फिर 4 MB पर होने पर इनको माइनर्स को रिवार्ड दिया जाए करेगा लास्ट ब्लॉक पर रिवार्ड जो भी माइनिंग पे इनको मिलता है। तो अभी करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहली चीज तो ये करनी है, सबसे पहले तो 21 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपको कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करनी बिटकॉइन की। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि वो नेटवर्क में फंस जाए और आपको बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन ना या तो दिखे ना, या वो बिटकॉइन आपको मिले ना, या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी भी टाइप की, ठीक है। और दूसरा, अगर 1 अगस्त तक कोई भी सोल्यूशन ना निकला तो फिर 1 अगस्त को बिटकॉइन की स्प्लिटिंग हो जाएगी और हार्ड फोक करेंगे जितने भी डेवलपर्स हैं। हार्ड फोक होता है कि बल्क में सेलिंग करेंगे, जिससे भी पैनिक आ सकता है मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त वाला। तो आप लोगों को सेफ चलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बिटकॉइंस को, अगर बिटकॉइन में ही बने रहना चाहते हैं, अगर तो पॉजिटिव न्यूज आ गई तो बिटकॉइन का रेट डबल भी जा सकता है, अगर नेगेटिव न्यूज आई तो बिटकॉइन का रेट आधा भी आ सकता है, ठीक है। आप लोगों को अगर बिटकॉइन की लगता है पॉजिटिव न्यूज आएगी तो आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आपको 2 रास्ते हैं। या तो आप बिटकॉइंस को हार्डवेयर में रखें, जिसको बोलते हैं हार्ड वॉलेट्स, हार्डवेयर वॉलेट्स, इसके सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लैपटॉप्स में भी आप अपने बिटकॉइंस रख सकते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आप अपने बिटकॉइंस को सेव करके रख सकते हैं, जो कि थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर उड़ गया तो बिटकॉइंस हो सकते हैं कि आप दोबारा रिकवर भी ना कर पाओ। दूसरा तरीका क्या है जो कि सेफ लगता है, वो ये है कि किसी ऐसी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर दो जिसको, जिस पर आपको विश्वास हो, जो आपको लगता हो कि ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से आपका जो बिटकॉइन है वो सेफ रहेगा, ठीक है। तो कुछ क्रिप्टो करेंसीज के मैं आपको नाम बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। पहले नंबर पर आपको बताऊंगा द चैम कॉइन, TCC,
टीसीसी अपने आप में एक बहुत अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, जिसकी अपनी एक अलग ही एक्सचेंज है और बहुत सिक्योर्ड वॉलेट है बिटकॉइन का, और यहाँ पर ट्रेड भी किया जाता है बिटकॉइन का। बहुत बड़ी कम्युनिटी है टीसीसी की, और अभी स्टार्टिंग हुई है, और बड़ा अच्छा इनका टारगेट है रेट को ले जाने का। अगर आप यहाँ पर अपने बीटीसी कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा कि बीटीसी तो सेफ रहेंगे ही रहेंगे, मतलब बीटीसी को वो टीसीसी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, और टीसीसी का रेट बढ़ेगा अलग और आपको वहां पर अलग से बेनिफिट होगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, किसी और क्रिप्टो करेंसी में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी और बड़ी, या तो इथेरियम में कर सकते हैं या और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपका मन करे। तो ये सब चीजें हैं जिसमें आप ध्यान रखेंगे 21 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक खास तौर पर कोई भी ट्रांजैक्शंस करने से खास तौर पर बचे, और अपने बिटकॉइंस को सेव करने के लिए किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर लें अपने बिटकॉइंस को, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैसेज आप सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं, जितने भी आपके दोस्तों को के पास बिटकॉइंस हो या कुछ भी वो उसकी नॉलेज रखते हो, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वो बाद में अपने बिटकॉइंस खो बैठे। थैंक यू।